गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हैं बिल्कुल ठीक। आज बहुत टाइम बाद मैं मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट से स्टार्ट कर रही हूँ और आज मैं बनाने वाली हूँ, आज आपका जो पूरा वीडियो है ना मेरा कुकिंग में ही जाने वाला है। तो जी आज मैं बना रही हूँ स्पाइसी से अंडे वाले ब्रेड। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 अंडे लिए हैं, उनके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक, मिर्ची और काली मिर्च का पाउडर डाला है और इसके बाद मैंने अच्छे से फेंट लिया था। थोड़ा सा मैंने इसमें दूध डाला था ताकि अंडे में ब्रेड जो है ना मेरे काफ़ी सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पर मैं इनको डीप फ्राई कर रही हूँ। आप चाहो तो शैलो फ्राई भी कर सकते हो, बट मेरे हस्बैंड को और बच्चों को डीप फ्राई पसंद है, तो इस तरीके से मैं इनको डीप फ्राई कर रही हूँ। और एक एक करके सारे ब्रेड जो है ना पहले मैं अंडे में डुबो रही हूँ, उसके बाद मैं इसको ऑयल में डाल दे रही हूँ। तो ये बड़े ही मज़े के बनते हैं और टमाटो केचप से और मेयोनीज से खाओ तो काफ़ी अच्छा और एक कहते हैं ना काफ़ी हैवी सा नाश्ता हो जाता है। तो आज थोड़ा सा मन था कुछ अच्छा और हैवी खाने का, तो मैंने सोचा चलो जी आज आसिफ जी की पसंद के बनाते हैं मसाले वाले अंडे वाले ब्रेड। ये मीठे भी बनते हैं, तो इसके अंदर अंडों के अंदर थोड़ी सी शुगर ऐड होती है, दूध ऐड होता है और उसको अच्छे से फेंटा जाता है तो ये मीठे बन जाते हैं। फिर इन्हें हम तेल की बजाय घी में फ्राई करते हैं, और जब हमें मसाले वाले बनाने होते हैं चटपटे से तो हम इन्हें घी में नहीं और तेल में फ्राई कर लेते हैं। तो ये मेरा बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो गया है। तो 3 से 4 ब्रेड लिए हैं मैंने इसके अंदर, तो 3 से 4 अंडों में ये मेरे करीबन करीबन 6 पीसेस तैयार हुए थे और बहुत ही मज़े के बने थे। और मतलब जब हम छोटे थे ना तो मम्मा इनको ना अंडे वाले ब्रेड पकौड़े बोलती थी, क्योंकि इनको ब्रेड पकौड़े के स्टाइल में काट दिया जाता था तो वो ब्रेड पकौड़े हो जाते थे, अंडे वाले झटपट बन जाते थे। तो हमारे लंच बॉक्स में मम्मा कई बार ये रख देती थी। तो ये मेरी बचपन की मम्मी की रेसिपी है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है। और आज का पूरा दिन जैसे कि मैंने बताया, आगे मैं आपको मिलूँगी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा आप लोगों की डिमांड थी इस वजह से, हालांकि मन बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन फिर भी मैंने आज शेयर करी है आपके साथ गट्टू का साग। तो आगे आप रेसिपी इंजॉय करिएगा और रेसिपी पूरी देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने मेयोनीज भी निकाल ली है प्लेट के अंदर और टमाटो केचप भी निकाल लिया है। और ये आसिफ जी और मेरा नाश्ता है, बच्चों का नाश्ता ऑलमोस्ट हो चुका है, बच्चे नहा भी चुके हैं। अभी करीबन टाइम हो रहा है 11:30 का, तो क्योंकि इनायत की क्लासेस होती है तो हमें इनायत के लिए सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है। तो बस यहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट बनके तैयार है, आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ नाश्ता कर लीजिए। हाय गाइस, तो जी आज मैं आपको लोगों को बहुत डिमांड पे देने आया हूँ गट्टू की साग की रेसिपी। तो फटाफट से मैं रेसिपी आपकी की तरफ चलते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो मैं करूँगी नहीं क्योंकि मेरे फ़ोन में चार्जिंग बहुत कम है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या सामान लिया है। ये मैंने लिया है 1 कटोरी बेसन जो मैंने अच्छे से छान लिया है, ठीक है। ये है हमारी हींग जो इसके अंदर जाएगी, तो हम जल्दी जल्दी से सामान डाल लेते हैं, ठीक है ना। थोड़ी सी हम हींग इसके अंदर डालेंगे क्योंकि बेसन की चीज़ है ना, तो उसमें हींग वगैरह अच्छा लगता है। इसमें जाएगा थोड़ा सा अजवाइन, अजवाइन भी मेरी ख़त्म हो चुकी है, उसको हम इस तरीके से करके मल लेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे धनिया पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, पिसा हुआ धनिया, ठीक है। इसके अंदर जाएगी हमारी हल्दी, 1/2 चम्मच हल्दी का। थोड़ा सा इसके अंदर जाएगा मिर्ची पाउडर, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, मैं बहुत कम डाल रही हूँ मिर्चे बच्चों की वजह से, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जाने वाला है ये नमक, 1 चम्मच नमक डाला है, तो अपने अकॉर्डिंग डालिएगा, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ये है देसी घी जो मैंने गर्म कर लिया है अच्छे तरीके से, आप चाहो तो इसके अंदर रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हो, पका हुआ तेल भी डाल सकते हो, मैंने डाला है देसी घी पका के, ठीक है। उसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा ये प्याज मैंने चॉप कर लिए थे, वो थोड़े से प्याज इसके अंदर मिला देंगे, दैट्स इट। हरा धनिया भी आप मिला सकते हो, मेरे पास हरा धनिया हरी मिर्च नहीं है तो इसलिए। और यहाँ पर मैंने स्टीम में बनते हैं ये, मतलब बॉईल होके बनते हैं, तो यहाँ पर मैंने पानी जो है भर के रखा है बॉईल होने के लिए, जब तक मैं अपने बेसन के गट्टे तैयार करती हूँ मेरा पानी अच्छे से बॉईल हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद ये है हमारे पास दही जो कि मैं इसके अंदर डालूंगी और दही से ही मैं इसको गूंदूंगी, एक्स्ट्रा पानी जो है वो मैं इसके अंदर नहीं लूंगी, ठीक है जी। तो ये हमने थोड़ा सा दही इसके अंदर ऐड कर दिया, थोड़ा सा मैं मसाले में डाल दूंगी। तो बस ये इन चीज़ों से ही हम बनाते हैं, इसको मैं अच्छे से गूंद लेती हूँ। अच्छा जी, तो इसके अंदर मैं भूल गई थी कि इसके अंदर जाएगा हमारा थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट, बिल्कुल
छोटा सा, और यहाँ पर मैं इसको दही की सहायता से ही गून लूँगी। मैं इसके अंदर पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी, जितना भी होगा मैं दही से ही इसको बाइंड करूँगी अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर देख लीजिए मेरा अच्छे से बाइंड हो गया है, और ये हाथों में चिपकेगा तो हम कोई भी कुकिंग ऑयल से इसको हाथ तेल से ही छुटाएंगे, पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। जितना आप इसके अंदर तेल मॉइस्चराइज़र रखोगे ना, मॉइस्चर रखोगे, उतना आपके जो गट्टे होते हैं ना वो सॉफ्ट बनेंगे, वरना वो काफ़ी हार्ड हो जाते हैं। और एक तरफ जो है मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है, अब इसे को मैंने पूरी परात को अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँगी, और जितना भी मुझसे छूट पाएगा उतना छुटा लूँगी इसको, और बहुत अच्छे से ही हाथों में तेल लगा के इसको एक स्मूथ सा और सॉफ्ट सा एक अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने अपना जो पानी है वो बॉयल कर दिया है, ये देखो कितने अच्छे तरीके से चिकना सा बन गया है। अब यहाँ पर रेस्ट देने के बाद मैंने इसको 15 मिनट का रेस्ट दिया था, उसके छोटे छोटे से बॉल्स तोड़ लिए थे और उनको फिर मैं लंबा शेप दूंगी और थोड़ा सा थिक रखूंगी, मतलब मोटा रखूंगी, पतला नहीं रखना क्योंकि पतले वाले अच्छे नहीं लगते, वो ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होते हैं, तो हमें सॉफ्ट रखना है अपना गट्टा। तो इसकी जो एक फिंगर के बराबर मोटाई रखनी है, और यहाँ पर मैंने पानी बॉयल करने के लिए रख दिया था। जब पानी में अच्छे से बॉयल आ जाए, आपको पानी के अंदर तेल वेल कुछ भी नहीं डालना, ना नमक डालना, कुछ नहीं, बस इसको बॉयल करना है अच्छे तरीके। अच्छा जी, तो यहाँ पर मेरे जो गट्टे थे काफ़ी अच्छे तरीके से पक चुके हैं, अंदर तक पक चुके हैं, डन हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी, और वहाँ पर मैंने जो आधा प्याज छोड़ा हुआ है उसको अच्छे तरीके से मैंने चॉप कर लिया था, उससे मैं पहले ये गट्टे पहले काट दूँगी, उसके बाद इन्हें तेल में फ्राई करके उसके बाद मैं इनका मसाला तैयार करूँगी। तो यहाँ पर देखो मैं अच्छे तरीके से इन्हें काट रही हूँ, और इस तरीके से मैंने इन्हें डीप फ्राई कर लिया था, इससे गट्टों में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पर बचे हुए प्याज जो थे वो मैंने फ्राई करे हैं अच्छे तरीके से, और जब ये ब्राउन। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि गट्टों को अच्छे तरीके से काटने के बाद आपको डीप फ्राई करने हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा तेल ज़्यादा जाता है और मैंने डीप फ्राई कर लिए हैं। डीप फ्राई करने के बाद मैंने उसी तेल के अंदर जो कटे हुए अनियन थे वो डाल दिए हैं, इसको मैं अच्छे तरीके से ब्राउन करूँगी, इनका कलर चेंज करूँगी, उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ी सी हींग डाली। और यहाँ पर मैंने टमाटर को कद्दूकस कर लिया है, उसके अंदर मैं हल्दी, मिर्च, नमक, धनिया पाउडर, सारे सूखे मसाले जो होते हैं वो डालूँगी। और जो भी ये राजस्थानी खाना बनता है इसके अंदर तीखा थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और इसके अंदर हम लोग तीखी लाल मिर्च यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मेरे प्याज जो है वो अच्छे तरीके से कलर चेंज हो चुका है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी 1 से 2 चम्मच के करीब, और उसको भी अच्छे तरीके से फ्राई करने के बाद प्याज को और लहसुन अदरक को भून लूँगी जब तक इसका जो कच्चापन है वो ना निकल जाए। और ये जो मैंने 2 टमाटर यूज़ करे हैं इसके अंदर, क्योंकि गट्टों के अंदर दही है तो ज़्यादा खटास हो जाएगी फिर इस वजह से, तो यहाँ पर मैंने टमाटर के अंदर जो भी मसाले डाले थे उनसे मैं अच्छा सा मसाला तैयार कर लूँगी सब्ज़ी के लिए। और इसके अंदर सबसे बड़ी जो अहम बात होती है, मसाला भुनना आपको बहुत अच्छे तरीके से है, और जिस पानी में हमने गट्टे वो करे थे ना उबाले थे, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरे गट्टे कितने सॉफ्ट हैं कि आराम से यूं ही नरम थे, यूं ही हो गए दबाने से। तो जो मैं आपको बता रही थी कि जो पानी हमने बॉईल करा था जिसके अंदर गट्टे मैंने पकाए थे बॉईल पानी में, वो पानी मैंने यहाँ पर निकाल के रख रखा है, और वही पानी मैं अपनी ग्रेवी में भी यूज़ करूँगी। यहाँ पर जाता है मेरा एक मैगी मसाला का पैकेट, जिससे जो गट्टों की खुशबू और वो भी और इन्हेंस हो जाता है, इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का बनते हैं, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं, और जितने ये बासी होते हैं ना, मतलब रख रख के खाने में और भी गाढ़े हो जाते हैं। और यहाँ पर मैं वही पानी ऐड कर रही हूँ जो मैंने गट्टे जिसमें उबाले थे, और आप अपने तरीके से तरी रखिएगा, मुझे चावल के साथ खाने थे, मतलब बनाने थे, तो इस वजह से मैंने तरी ज़्यादा रखी थी, और बेसन की सब्ज़ी हमेशा रखने के बाद गाढ़ी हो जाती है, तो आप यूँ परेशान ना होइएगा। और इस स्टेज पर आप इसके अंदर नमक और मिर्च देख सकते हो कैसा है कैसा नहीं है। फाइनल लुक मैं नहीं दिखा पाई आपको, क्योंकि वो क्लिप मेरे से मिस हो गया था, तो उसके लिए आई एम सॉरी। अच्छा जी, तो अभी आप लोगों ने जो रेसिपी देखी, मैं फाइनल लुक उसका नहीं दिखा पाई थी, आई एम सॉरी, वो क्लिप मेरे से मिस हो गई है। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम जब बनाएंगे तो दिखा देंगे, वैसे वो तैयार हो चुकी थी। और यहाँ पर हमने बनाए हैं, शाम का टाइम हो रहा है, चाय नाश्ते का टाइम है, तो लिबा की फेवरेट है, बुलबुल ने मुझे बताया था उसको पकौड़े बहुत पसंद है, तो यहाँ पर मैंने बनाए थे बच्चों के लिए पकौड़े, और लिबा बहुत इंजॉय कर रही हैं, अपने पकौड़े खा चुकी हैं, अभी वो लिबा मेरी खा रही है चिप्स। मैंने ये चिप्स भी
लिए थे बच्चों के लिए, तो काफ़ी अच्छे से और मज़े से अल्हम्दुलिल्लाह गुजर रहे हैं हमारे दिन। तो मेरा आज का वीडियो बस यहीं तक का था। आज मैं आपको वीडियो में बहुत कम नज़र आई हूँ। यहाँ पर बुलबुल अप्पी भी अपने पकौड़े इंजॉय कर रही हैं और बहुत ही अच्छे से दिन गुजर रहे हैं हमारे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो बस मेरा आज का वीडियो यहीं तक का था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा, और पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और बहुत सारी दुआएं दीजिएगा। और यहाँ पर आप लोग भी आ जाइए, शाम के टाइम चाय नाश्ता कर लीजिए, पकौड़े इंजॉय कर लीजिए, और बस ऐसे ही छोटी छोटी सी चीज़ें और छोटे छोटे से मोमेंट्स होते हैं दोनों बहनों के बीच में, बच्चों के बीच में, जो मैं कैप्चर कर रही हूँ और आप लोगों तक वीडियो पहुँचा रही हूँ। और यहाँ पर मैं आपको लास्ट में दिखी हूँ। आज पूरा मैंने आपको बताया था, जैसे कि शुरू में कि कुकिंग का वीडियो था, तो सब कुकिंग हो चुकी है लास्ट में। अब हम इन्जॉय कर रहे हैं अपने पकौड़े। रात में डिनर मुझे नहीं बनाना, क्योंकि मैं जो लंच था वो मैंने काफ़ी ज़्यादा बना लिया था, तो इसलिए डिनर में नहीं बनानी थी, तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा कुकिंग कर ली। नेक्स्ट वीडियो में मिलाकर तो